हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी देश नेवी के मामले में कितना मजबूत है उसको जानने के लिए हम लोग उस देश का शिप और सबमरीन के पावर को देखते हैं। सरफेस शिप में डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद दूसरा सबसे बड़ा और ताकतवर शिप होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर्स के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो के पहले हिस्से में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि भारत के पास कौन कौन सा डिस्ट्रॉयर था जो कि अभी डिकमीशन हो गया या फिर सर्विस लाइफ में नहीं है। दूसरा हिस्से में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि इंडियन नेवी प्रेजेंटली कौन कौन सा डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करता है। और तीसरा और आखिरी हिस्से में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि भारत का फ्यूचर प्लान में कौन कौन सा डिस्ट्रॉयर शामिल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन नेवी का हिस्ट्री को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 1947 में इंडिपेंडेंस होने का जस्ट 2 साल बाद 1949 में भारत पहला डिस्ट्रॉयर खरीदा। 1949 में भारत यूनाइटेड किंगडम से 3 आर क्लास डिस्ट्रॉयर खरीदा। ये 3 शिप थे INS राजपूत, INS रंजीत और INS राणा। 28 जुलाई 1949 में ब्रिटिश नेवी से इंडियन नेवी HMS रोदरेम को खरीदा, जिसको बाद में INS राजपूत नाम से नाम दिया गया। और इस शिप को भारत करीबन 1973 तक इस्तेमाल किया, और 1976 में इस शिप को स्क्रैप कर दिया गया। और INS राजपूत वही सबमरीन है जिसने 1971 के लड़ाई के समय विशाखापट्टनम के करीब पाकिस्तान का PNS गाजी सबमरीन को डुबाया था। 4 जुलाई 1949 को भारत ने INS रंजीत के नाम से HMS रीडआउट को खरीदा, और ये डिस्ट्रॉयर 30 सितंबर 1975 तक इंडियन नेवी के सर्विस में था, और 1979 में इसको भी स्क्रैप कर दिया गया। इस क्लास का तीसरा शिप INS राणा, जो कि HMS रेडा नाम से भी जाना जाता था, वो भारत में शामिल हुआ 9 सितंबर 1949 में, और इस जहाज को 30 सितंबर 1971 में सबसे पहले रिटायर किया गया था, और 1979 में बाकी दोनों जहाज के साथ इसको भी स्क्रैप कर दिया गया। भारत आर क्लास का जो डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करता था उसका स्टैंडर्ड वेट करीबन 1700 टन था, जबकि लोडेड वेट इसका था करीबन 2425 टन। उस समय में जहाज में मिसाइल का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, इसी कारण से इस जहाज में प्राइमरी हथियार के हिसाब से 5 120 मिलीमीटर का गन इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ एयर डिफेंस के लिए इस जहाज में 1 4 बैरल का AA गन और 6 सिंगल बैरल का AA गन भी इस्तेमाल होता था। एंटी सबमरीन रोल में इस जहाज में करीबन 2 4 बैरल का 21 इंच का टॉर्पेडो इस्तेमाल होता था, साथ ही साथ 70 डेप्थ चार्जर भी रहता था। आर क्लास डिस्ट्रॉयर के बाद 1953 में भारत हंट क्लास डिस्ट्रॉयर को खरीदा। हंट क्लास भी आर क्लास के जैसे ब्रिटिश शिप था। पहले इंडियन नेवी ने ब्रिटेन से ऐसा 3 शिप लीज में लिया था, पर बाद में इंडियन नेवी ने ये तीनों शिप को ब्रिटेन से खरीद लिया। हंट क्लास का पहला शिप था INS गोदावरी, जिसको HMS बिडेल भी बोला जाता था। ये शिप इंडिया ने 27 अप्रैल 1953 को खरीदा, और 31 अगस्त 1976 तक ये शिप इंडियन नेवी में सर्विस में था, और 1979 में इस शिप को आर क्लास का बाकी 3 शिप के साथ स्क्रैप कर दिया गया। हंट क्लास का दूसरा शिप था INS गोमती, जिसको ब्रिटिश नेवी में HMS लेम्पटन नाम से भी जाना जाता था। 24 अप्रैल 1953 को भारत ने INS गोमती को खरीदा था, और 31 मई 1972 तक ये इंडियन नेवी के सर्विस में था। इस जहाज को 1975 में स्क्रैप कर दिया गया। इस क्लास का तीसरा शिप था INS गंगा, जिसको HMS चिडिंगफोर्ड नाम से भी जाना जाता था। 18 जुलाई 1953 में ये शिप को भारत ने खरीदा, और 31 जुलाई 1972 तक ये शिप को इंडियन नेवी ने ऑपरेट किया। बाद में 1975 में इस शिप को भी स्क्रैप कर दिया गया। हंट क्लास का डिस्ट्रॉयर का स्टैंडर्ड वजन था 1050 टन, जबकि इसका लोडेड वजन करीबन 1430 टन था। इस जहाज में प्राइमरी गन के हिसाब से 6 100 मिलीमीटर का तोप इस्तेमाल होता था, जबकि एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए इस जहाज में 4 4 बैरल का AA गन
और दो एक बैरल का 20 मिलीमीटर का गन इस्तेमाल होता था। एंटी सबमरीन रोल के लिए इस जहाज में करीबन 110 डेप्थ चार्जर रहता था। ये तो था इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर का पास्ट। दोस्तों अब चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट में इंडियन नेवी के पास कितना डिस्ट्रॉयर्स है। एक्टिव डिस्ट्रॉयर्स में इंडियन नेवी के पास करीबन 11 डिस्ट्रॉयर सर्विस में है, जिसमें से सबसे पहले आता है राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर। राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर्स असल में इंडिया के लिए बनाया गया मॉडिफाइड सोवियत किसान क्लास डिस्ट्रॉयर है। इसको किसान 2 भी बोला जाता है। 1980 से 1987 तक भारत करीबन 5 ऐसा डिस्ट्रॉयर खरीदा और इसको इंडियन नेवी के हिसाब से मॉडिफाइड भी किया गया। राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर तब के समय का एक एडवांस डिस्ट्रॉयर था और ये एक नेवी का न्यू जनरेशन का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मतलब पुराना समय का डिस्ट्रॉयर जैसे इस जहाज में तोपों का इस्तेमाल ना होके नया जनरेशन का इस शिप में मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। इस जहाज का स्टैंडर्ड वजन करीबन 3950 टन है, जबकि इस जहाज का लोडेड वजन है करीबन 4975 टन। एंटी सरफेस रोल में इस जहाज में ब्रह्मोस, P-15 टर्मिट और धनुष मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एंटी एयरक्राफ्ट रोल में इस जहाज में S-25M और बराक 1 जैसा सरफेस टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल होता है। गन के मामले में इस टाइप का जहाज में 76 मिलीमीटर का मेन गन और 30 मिलीमीटर का AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। एंटी सबमरीन रोल के हिसाब से इस जहाज में 533 मिलीमीटर का टॉर्पेडो ट्यूब और RBU-6000 नामक एंटी सबमरीन मोटार्स का इस्तेमाल होता है। इस जहाज में एक KA-28 या फिर दो हेल चीतक जैसा हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होता है। राजपूत क्लास के बाद आता है भारत का दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर। दिल्ली क्लास का ये डिस्ट्रॉयर भी एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये भारत का खुद का बनाया हुआ पहला डिस्ट्रॉयर है। इस शिप का वजन करीबन 6200 टन है और 1987 से 2001 तक भारत ऐसा 3 शिप बनाया। हथियारों को देखें तो इस शिप में करीबन 16 KH-35E सरफेस टू सरफेस मिसाइल रहता है। साथ ही साथ एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए इस एयरक्राफ्ट में 16 बराक 1 मिसाइल भी रहता है। उसके साथ दो लाइन में 24 के सेट में करीबन 48 बक मिसाइल भी रहता है। मेन गन के मामले में इसमें AK-100 नामक एक 100 मिलीमीटर का तोप भी है। दो 30 मिलीमीटर का AK-630 नामक क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंटी सबमरीन रोल में इस शिप में दो सेट RBU-6000 नामक एंटी सबमरीन रॉकेट का भी इस्तेमाल होता है, जबकि 4 ट्यूब वाला 533 मिलीमीटर का टॉर्पेडो ट्यूब भी इस शिप में है। और टॉर्पेडो के साथ साथ एंटी सबमरीन रोल के लिए इस शिप में दो रेल डेप्थ चार्जर भी रहता है और ट्रांसपोर्ट के लिए इस शिप में दो सी किंग मार्क 42B हेलीकॉप्टर भी रहता है। दिल्ली क्लास के बाद आता है इंडियन नेवी का सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर। कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी के लिए बना हुआ अब तक का सबसे बड़ा शिप है। इस जहाज को इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाया गया था। भारत कोलकाता क्लास का 3 शिप इस्तेमाल करता है, जो है INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई। इस जहाज का वजन है करीबन 7400 टन और अगर फायर पावर को देखें तो इस जहाज में एंटी सरफेस रोल के लिए 16 ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल होता है, जो कि 8-8 के दो सेट में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ रखा गया है। एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए इस जहाज में है बराक 8 जैसा सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि 8-8 के सेट में टोटल 4 सेट वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम में रखा गया है। मेन गन के मामले में इस जहाज में 76 मिलीमीटर का एक मेन गन है, साथ ही साथ 4 30 मिलीमीटर का AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। एंटी सबमरीन रोल के लिए इस जहाज में 4 533 मिलीमीटर का टॉर्पेडो ट्यूब के साथ दो RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है। ये जहाज दो सीकिंग या फिर हल ध्रुव जैसा हेलीकॉप्टर भी लेके उड़ सकता है। साइज की तुलना में हथियार को देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जहाज कम हथियार लेके जाता है, पर इसके पीछे जो कारण है उसको जानने के लिए मेरा INS कोलकाता के ऊपर बनाया गया वीडियो को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रेजेंट के बाद अगर फ्यूचर डिस्ट्रॉयर के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा इंडियन
इंडियन नेवी का 4 विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि 4 और प्रोजेक्ट 18 के अंडर में बनने वाला डिस्ट्रॉयर का प्लानिंग चल रहा है। विशाखापट्टनम क्लास असल में भारत का नेवी के लिए प्रोजेक्ट 15B के तहत बनने वाला डिस्ट्रॉयर का नाम है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के लिए 4 डिस्ट्रॉयर बन रहा है, जो कि इससे पहले बनने वाला कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर से आकार में थोड़ा बड़ा और वजन में भी भारी है। ये शिप का वजन है करीबन 8,000 टन। इस जहाज में लैंड अटैक के लिए 16 ब्रह्मोस मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट रोल के लिए 32 बराक 8 मिसाइल, मेन गन के हिसाब से 127 मिलीमीटर का मेन गन, 4 30 मिलीमीटर का AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, एंटी सबमरीन रोल के लिए 4 533 मिलीमीटर का टॉर्पेडो ट्यूब और 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम लगाया गया है। इस जहाज में भी कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर जैसे 2 सी किंग या हल ध्रुव जैसा हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। फिलहाल इस जहाज में जितना वेपन इस्तेमाल होता है, माना जाता है कि पहला अपग्रेडेशन के बाद में ये वेपन का संख्या डबल हो सकता है। विशाखापट्टनम क्लास का पहला जहाज भारत को 2021 तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इस क्लास का आखिरी जहाज भारत को 2024 में मिलेगा। विशाखापट्टनम क्लास के बाद आता है भारत का प्रोजेक्ट 18 क्लास का डिस्ट्रॉयर, जो कि पहले नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता था। इंडियन नेवी के लिए ऐसा 4 जहाज बनाया जाएगा, जो कि अभी प्लानिंग स्टेज में है। इस जहाज का वजन 13,000 टन तक हो सकता है। नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के बारे में ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।